हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिसमस की चार एक्साइटिंग रेसिपीज। देखिए, हमारी पहली रेसिपी है पुलाव कम फ्राइड राइस। तो राइस हमने बासमती राइस लेने हैं और इनको पानी उतना ही डालना है जिससे ये खड़े खड़े रहें, इनका दाना बिल्कुल। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खड़े राइस बहुत अच्छे होते हैं। और फ्राइड और कच्ची वेजीज लेनी है। फ्राइड वेजीज में गोभी, आलू और प्याज और मखाने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और कच्ची वेजीज में गाजर, मूली, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज लेने हैं। और देखिए, थोड़ा सा 2 चम्मच बड़े घी के डाल करके लौंग और सरसों सीड जो हैं उनको भुनना है, अच्छे से फ्राई करना। फिर चावल डाल देने हैं उसमें। चावलों में हमने सूखे मसाले डालने हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च और बिरयानी पाउडर और जो ये मसाले जो हैं वो बहुत अच्छा जायका बढ़ाते हैं। बिरयानी पाउडर भी थोड़ा आप ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इनको मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे राइस में, जिससे राइस में अच्छे से मिक्स होने के बाद ये इनका टेस्ट जो है पूरे राइस में आ जाए। उसके बाद हम फ्राइड और कच्ची वेजीज जो हैं इसमें डाल देंगे, राइस में डाल देंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद प्रॉपर मिक्स हो जानी चाहिए जिससे वो एकदम एक सम हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हमने वो एक साथ कर दी हैं। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है पुलाव हमारा। और अब हम इस रेसिपी को अब हम धनिए और प्याज से गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर पुलाव लग रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। और आप बनाएंगे तो ये आपके लिए भी नई रेसिपी होगी और आप बहुत ही टेस्ट से खाएंगे। तो ये थी क्रिसमस की पहली फ्रेंड्स। तो हमारी सेकंड रेसिपी है अंडा बोंडा चाट। तो देखिए, अंडा बोंडा चाट बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरी हुई है। हम इसके लिए 2 अंडे बॉयल करेंगे। उसमें हम बैटर के लिए बेसन लेंगे, रेड चिल्ली पाउडर लेंगे, हल्दी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। वो हम इस सारे बेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसका पेस्ट बनाने के लिए ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, अनियन, जिंजर डालेंगे और इसका मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। तो पानी डाल करके आप पेस्ट बनाइए। देखिए, पेस्ट जो है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए। और कटे हुए बॉयल्ड अंडे जो हैं इसमें डालेंगे। अब अंडों को हम थोड़ी देर पेस्ट में रखेंगे और उसके बाद हम ऑयल गरम करके अंडों को फ्राई करेंगे पेस्ट के साथ। तो देखिए, हल्के आंच पर आपने फ्राई करना है जिससे वो फैले ना ऑयल में। अंडे हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे रखेंगे जिससे इनका ऑयल जो है वो सारा निकल जाए टिश्यू पेपर पे। अब हम इनको गार्निशिंग के लिए चॉप अनियन लेंगे, कोरिएंडर लीव्स लेंगे और ब्लैक सॉल्ट और लेमन लेंगे। और अब इनको ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारी क्रिसमस की एक और रेसिपी तैयार हो चुकी है, अंडा बुंडा चाट। आप इंजॉय कीजिए और खाइए अंडा बुंडा चाट। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है गार्लिक ब्रेड फ्रॉम वाइट ब्रेड। 1 ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके 4 पीसेस करेंगे। फिर बटर में गार्लिक को अच्छे से फ्राई करेंगे और गार्लिक और बटर, नमकीन बटर का पेस्ट जो है वो ब्रेड पे करेंगे, फैला देंगे अच्छे से। उसके बाद हम रेड चिल्ली पाउडर, देखिए ऐसे अच्छे से आप गार्लिक और नमकीन बटर का पेस्ट जो है अच्छे से लगा देना है। ब्रेड स्लाइस पर लग चुका है तो हम रेड चिल्ली पाउडर लेंगे, काली मिर्च लेंगे और ओरिगैनो लेंगे और उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे पीसेस पर। स्प्रिंकल करने के बाद हम देखिए इस तरह से सभी ब्रेड स्लाइसेस पर कर दिए। उसके बाद हम ग्रेटेड चीज़ से ब्रेड पीसेस पर टॉपिंग करेंगे और उसको माइक्रोवेव में तब तक रखेंगे जब तक उसकी साइड्स क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए, हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी है, तैयार है। आप खाइए और इन्जॉय कीजिए क्रिसमस डे का। और आपके लिए ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आसानी से आप बना सकते हैं घर पे। और
खा सकते हैं। तो हमारी फोर्थ रेसिपी है मेयो पास्ता सैलेड। तो देखिए हम इस तरह से बॉयल करेंगे पहले पास्ते को ऑयल और नमक डाल करके, और पास्ता बॉयल करने तक ही हमें गैस की ज़रूरत है, उसके बाद हमें गैस की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद सॉल्ट हमने टेस्ट के हिसाब से डालना है, और फिर हम हल्के सौत कर लेंगे कैप्सिकम और कैबेज को, और फिर हम स्प्रिंग अनियन जो है वो कच्चा ही डालेंगे, और फिर अच्छे से इन वेजीज को मिक्स कर लेंगे और पास्ता सॉस डालेंगे। पास्ता सॉस जो है वो उसके टेस्ट और फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगा। और उसके बाद हमें मेयोनीज डालनी है। मेयोनीज प्रॉपर होनी चाहिए जिससे पास्ता की लुक जो है वो अच्छी दिखे, प्रॉपर उसमें मेयोनीज जो है वो लगे। तो देखिए हमारी अब पास्ता सैलेड जो है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर सिचुएशन में। तो लीजिए आप ये सारी रेसिपीज क्रिसमस पर बनाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैरी क्रिसमस।